न्यू एक्टिविटीज या प्रोडक्ट लाइंस में डाइवर्सिफाई कर रही है तो डिसेंट्रलाइजेशन उनके लिए बेनिफिशियल होती है, स्पेशलाइज डिसीजन मेकिंग को एनेबल करती है जो स्पेसिफिक नीड्स और चैलेंजेस को एड्रेस करता है, ये इफेक्टिव एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज को हेल्प करता है। अनदर इज क्विक डिसीजन मेकिंग। डिसेंट्रलाइजेशन लोकल लेवल्स पर फास्टर डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करता है, मैनेजर्स को मार्केट चेंजेस या कस्टमर डिमांड्स के रिस्पॉन्स में क्विकली डिसीजंस लेने के लिए अथॉरिटी मिलती है। ये एजिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल रिस्पॉन्सिवनेस एंड कम्पेटिटिवनेस को एनहेंस करती है, साथ ही एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करके उनकी डेवलपमेंट एंड एंगेजमेंट को भी एनकरेज करती है। ये कल्चर ऑफ इनिशिएटिव और कमिटमेंट को फॉस्टर करता है। इन मेरिट्स को समझकर ऑर्गेनाइजेशंस अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को एफिशिएंटली मैनेज कर सकती हैं, स्पेशली जब वो ग्रो एंड डाइवर्सिफाई करते हैं। और अनदर टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। सो डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस के फंक्शन और स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दोज लिमिटेशंस। फर्स्ट इज डिसइंटीग्रेशन रिस्क। अगर डिसेंट्रलाइजेशन एक्सेसिव हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन डिसइंटीग्रेट हो सकती है, मींस ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज हो सकती हैं जहां फंक्शंस डुप्लीकेट हो जाते हैं और हर डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट के लिए ओवरहेड कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। कोऑर्डिनेशन एंड कोहेरेंस अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स वीक हो सकता है जो ओवरऑल स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट और इफेक्टिवनेस को अंडरमाइन कर सकती है। इससे रिस्क इंक्रीज हो जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग पार्ट्स अपनी अपनी डायरेक्शंस फॉलो करने लगते हैं। सेकेंड लिमिटेशन इज अनसुटेबिलिटी फॉर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। कुछ फंक्शंस जैसे अकाउंटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इन सब के लिए सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल जरूरी होता है। डिसेंट्रलाइजेशन इन एरियाज में यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है जो स्पेशलाइज सर्विसेज और ओवर आर्चिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्रिटिकल होता है। सेंट्रलाइज कंट्रोल ये इंश्योर करता है कि स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट और कंसिस्टेंसी बना रहे। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉम्पिटिशन। डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिविजन्स के बीच इंटेंस कॉम्पिटिशन फॉस्टर हो सकता है बिकॉज हर यूनिट को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करनी होती है। ये कंपटीशन इंटर डिपार्टमेंटल राइवलरीज और कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट कर सकता है और कोलैबोरेशन की कमी भी हो सकती है। इससे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी और कोहेजन अंडरमाइन हो सकती है। सो इन लिमिटेशंस को समझना जरूरी है सो दैट ऑर्गेनाइजेशन अपने डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रेटजी को केयरफुली प्लान करे और इंश्योर करे कि ये इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो बिना किसी नेगेटिव इम्पैक्ट के। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के एक्सट्रीम्स को देखते हुए दोनों में से कोई भी आइडल नहीं है। सबसे जरूरी बात है कि बैलेंस यानी गोल्डन मीन फाइंड किया जाए दोनों अप्रोचेस के बीच। मैनेजर्स को ये डिसाइड करना होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन का कितना डिग्री उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑप्टिमल होगा, मीन्स उन्हें ऐसा लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन चूज करना होता है जो लोअर लेवल्स पर रिस्पॉन्सिवनेस और एम्पावरमेंट को एनेबल करे लेकिन स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, एफिशिएंसी एंड क्रिटिकल फंक्शंस पर कंट्रोल भी मेंटेन करे। ये बैलेंस इंश्योर करता है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की एजिलिटी और इफेक्टिवनेस को एनहेंस करे बिना यूनिटी और स्ट्रेटेजिक कोहेरेंस को कॉम्प्रोमाइज किए। ओके, सो इन सिंपल वर्ड्स, एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन से सभी डिसीजंस ऊपर ही सेंट्रलाइज रहते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर सकते हैं। एक्सट्रीम डिसेंट्रलाइजेशन से डिसीजंस हर लेवल पर स्कैटर्ड हो जाते हैं जो कोऑर्डिनेशन को मुश्किल बना सकते हैं। इसलिए मैनेजर्स को दोनों के बीच के एक सही बैलेंस को ढूंढना बहुत जरूरी है जिससे ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट, रिस्पॉन्सिव एंड स्ट्रेटेजिकली अलाइंड रहे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का डिग्री डिसाइड करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन कौन से फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज साइज ऑफ ऑपरेशंस। जब ऑर्गेनाइजेशन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं तब डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी हो जाता है।
मल्टीपल डिपार्टमेंट्स एंड फंक्शंस होने की वजह से सारे डिसीजंस को सेंट्रलाइज करना मुश्किल हो जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन से डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन भी बेटर होता है, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को एनहेंस करता है। सेकेंड इज कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ डिसीजन मेकिंग। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को डिसीजंस लेने में सब्सटेंशियल कॉस्ट एंड रिस्क फेस करना पड़ता है। डिसेंट्रलाइजेशन टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स को स्ट्रेटेजिक डिसीजंस पे फोकस करने का मौका देती है, जबकि रूटीन और ऑपरेशनल डिसीजंस लोअर लेवल्स को डेलीगेट किए जाते हैं। इससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्ट होता है और क्रिटिकल डिसीजंस को प्रॉपर अटेंशन मिलती है। थर्ड फैक्टर इज टॉप मैनेजमेंट फिलॉसफी। टॉप एग्जीक्यूटिव्स के एटीट्यूड्स और फिलॉसफीज भी डिसेंट्रलाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ एग्जीक्यूटिव्स सेंट्रलाइज्ड अप्रोच को प्रेफर करते हैं सो दैट कंट्रोल बना रहे, जबकि कुछ डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करते हैं सो दैट लोअर लेवल मैनेजर्स को एम्पावर किया जा सके और इनोवेशन और रिस्पॉन्सिवनेस को एनहेंस किया जा सके। नेक्स्ट फैक्टर इज अवेलेबिलिटी ऑफ मैनेजरियल रिसोर्सेज। डिसेंट्रलाइजेशन का एक्सटेंड भी स्किल्ड और कैपेबल मैनेजरियल पर्सनल की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। जिन ऑर्गेनाइजेशंस में स्ट्रॉन्ग मैनेजरियल टैलेंट अवेलेबल होता है वो अथॉरिटी को ज्यादा डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, बिकॉज उन्हें कॉन्फिडेंस होता है कि लोअर लेवल मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे गवर्नमेंट रेगुलेशंस, टैक्स पॉलिसीज एंड लेबर यूनियंस भी डिसेंट्रलाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं। रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स या यूनियन अग्रीमेंट्स कुछ एरियाज में मैनेजरियल अथॉरिटी को लिमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज में जहां प्राइस कंट्रोल्स इम्पोज होते हैं वहां सेल्स मैनेजर्स को इंडिपेंडेंट प्राइस सेटिंग का फ्रीडम नहीं होता। सिमिलरली, लेबर लॉज और यूनियन अग्रीमेंट्स एम्प्लॉय रिलेटेड डिसीजंस में स्पेसिफिक पॉलिसीज डिक्टेट कर सकते हैं। सो इन सभी फैक्टर्स को समझकर ऑर्गेनाइजेशंस अपनी डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रेटजी को इफेक्टिव और सूटेबल बना सकती हैं, ताकि वो अपने ऑपरेशनल और स्ट्रेटजिक गोल्स को अचीव कर सके। ओके, सो टू कंक्लूड, डिसेंट्रलाइजेशन का डिग्री डिसाइड करने के लिए एक केयरफुल असेसमेंट की जरूरत होती है। मींस हमें कुछ की फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे सेंट्रल कंट्रोल और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बीच एक सही बैलेंस बनाया जाए, ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑपरेशनल नीड्स के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी मेंटेन कर सके, एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स जैसे गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी इफेक्टिवली हैंडल किया जा सके। सो इस प्रोसेस से ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरनल ऑपरेशंस को स्मूथली मैनेज कर सकती है और एक्सटर्नल चैलेंजेस को भी एफिशिएंटली टैकल कर सकती है। ओके, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है गाइज। एंड गाइज, इफ यू हैव एनी कंसर्न्स, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स ऑन दिस चैप्टर, यू कैन ऑलवेज मेंशन इन कमेंट्स। ओके, आप अपने डाउट्स मेंशन कर सकते हैं, कुछ समझ में ना आया हो वो भी मेंशन कर सकते हैं। I will try to answer to your questions and concerns as soon as possible. All right. और अगर आपको मेरा content पसंद आता है तो channel को subscribe करना मत भूलिएगा, video को like जरूर कीजिएगा, and guys, as I'm doing my 100%, I need your support in return. So please share it with other students as well. I want to reach out to all those students who really need help in their education. I'm trying my best to provide you whatever the best I can. फिर भी आप लोगों की और भी अगर कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी ज़रूरतें हैं इन सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप मुझे मेंशन कर सकते हैं, जितना हो सकेगा मैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगी। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा सो दैट आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। इस जो दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन से पहले आई विल ट्राई टू कवर ऑल द टॉपिक्स, ओके, ऑल द चैप्टर्स, आई विल ट्राई टू कवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एज वेल एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स फॉर ईच चैप्टर्स। ओके, ऑनलाइन सेशंस जो होंगे वो एक लिमिटेड हेडकाउंट के साथ होंगे, तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस है। सो क्लिक ऑन बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। कोई भी आपके क्वेश्चंस, कंसर्न्स, फीडबैक्स हैं प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। ओके, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर गाइज, बाय बाय।